मेरा नाम नीला देवी नहीं, कार्तिक क्या हुआ? माधव भैया की शादी में तो उछल उछल के डांस कर रहे थे, अभी क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ कार्तिक, तुम क्यों रो रहे हो? आप दोनों को पता भी है कि आज से 32 साल पहले कश्मीर में क्या हुआ था, कितना अत्याचार हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ? ये मुझे आज पता चला। तुम्हें कैसे पता चला कार्तिक? तुम तो ऐसे दुखी हो रहे हो जैसे जुर्म और अत्याचार तुम्हारे सामने हुआ हो, तुमने देख लिया हो। हाँ देखा है मैंने, G5 पर फिल्म द कश्मीर फाइल। दुख तो बहुत हुआ मुझे कि उन कश्मीरी पंडितों के साथ इतना जुर्म और उनकी ऐसी निर्मम हत्या हुई कि आत्मा झकझोर करके रख दिया। हम तो बहुत ही धन्यवाद देते हैं द कश्मीर फाइल्स के पूरे मेकर्स और टीम को कि हमारी पीढ़ी को इन पूरे काले सच से अवगत करवाया। कार्तिक हमें भी देखना है द कश्मीर फाइल, G5 पे हम देख सकते हैं अभी। अरे कभी भी देख सकती हो, G5 पर ऑलरेडी अपलोड है। अरे ये फिल्म तो मेरी आत्मा से जुड़ गई है, ये फिल्म मैं बार बार देखना चाहता हूँ। अरे आओ ना देखते हैं साथ में। हाँ हम भी देखेंगे। हाँ आओ। रात कैसा गुजरल? रात के नींद आई कि नहीं? वैसे कोना रूम में सुतल रहलू? अरे माधव बाबू रात में तो ये घरे में कोनो कम। काबिल चंदा माधव बाबू हमारा के झटका से लगल कि आपके पीछे क्यों खड़ा बा? हमार पीछे? हमारा पीछे? भूत होई कौनो? हुँ? पीछे पलटते गायब हो गई। भैया आप चंदा को काहे डरा रहे हैं? आप दोनों खाना खाइए, हम अभी आते हैं, ठीक है? हमार चंदा माधव बाबू अभी का कर रहे थे? बार बार पंडित जी के बात काहे भुला जाते हैं? तू हूं ना चंदा, कहां इन सब बातों में विश्वास करे लू। अच्छा ठीक बा, अपन मुंह खोला। आंटी जी आज तो मजा ही आ गया चंदा की हालत देखकर। क्या किया आपने, मैं ऐसा क्यों नहीं सोचती? मंद बुद्धि, मंद बुद्धि, मंद। अगर तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धि होती ना तो आज ही हालतें ना होती। आज ही हालतें ना होती। आज जो कुछ भी हालत हुआ है ना सबकी जिम्मेदार तुम हो। मैंने बोला ना सॉरी, कितनी बार बोलूं, गलती हो गई, जानबूझकर नहीं किया मैंने ना। आ गई मैं बहकावे में, आपसे कितनी बार बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए।
श्वेता। आंख की हाड़ी ना बार बार आग पर नहीं चढ़ती है। अरे तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा मौका था माधव भैया से ब्याह करने के लिए, लेकिन तुम अपनी मूर्खता नहीं नहीं ढेर चलाक बनने के चक्कर में वो मौका गंवा दिया। अब हजार बार सफाई देने से भी कोनो फायदा नहीं। रुद्र एकदम में सही कह रहा है, कहे कि बात साफ हो गया ये घटना के बाद कि तुम हमारे घर की बहू तो का। अरे घर में रहने की लायक भी नहीं बची। आंटी जी मैंने जो कुछ भी किया है आप लोगों के लिए किया है। बस करो, बस करो। तुम हमरा सह पा करके इतना उड़ने लगी कि आसमान की तरफ मुंह कर करके अगर थूकोगी ना तो थुकवा तुम्हारा ही मुंह पर पच से उल्टा पड़ेगा, समझी। जब सारा काम बिगाड़ के और कह रही हो कि हम जो कुछ भी किए आपके लिए किए, नहीं जो भी की तुम अपने लिए की, कहे कि तुम एक नंबर की स्वार्थी हो। समझ गई। आप पगाठो आप खबर लाए हो और जो है खुद ब खुद जंगल में फंस गए। ओ मेरे चंगुल में फंस गई है। हाय छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी कर लो हम तुम्हारा मकसद कामयाब नहीं होने देंगे। हे छोड़ूंगा तुझे। का सोची थी कि तुम हमसे कन्नी काट के ऐसे निकल जाओगी। मन बुद्धि तनिक अपनी बुद्धि चलाओ। हमरे प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमरी मदद करो। लेकिन आंटी आपने तो बोला मैंने अपनी साख खो दी है, अब मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ आप ही बताइए। तो तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ जो हमारी नजर में फिर से तुम्हारी साख बन जाए। बोलो करोगी? हाँ आंटी जी आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी। देखो माधव चंदा से बहुत ते प्यार करता है, इसमें तो कोनो दो राय नहीं है। बोलो। हाँ हाँ वो चंदा के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। बस तुमको ई करना है कि माधव को ई सुझाव देना है कि चंदा ठीक हो जाएगी। मैं माधव जी को क्यों सुझाव दूं चंदा के ठीक होने का? और आंटी जी आप क्यों चाहती कि चंदा ठीक हो जाए? मैं माधव जी को क्यों सुझाव दूं चंदा के ठीक होने का? और आंटी जी आप क्यों चाहती कि चंदा ठीक हो जाए?
बचपन से आपका यह हाल देखा नहीं जा रहा, पर हम लाचार हैं। हम चंदा को भी नहीं बचा पा रहे, हम आपको कैसे बताएं? इसके पीछे आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब एक प्रेत आत्मा कर रही है, तो हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। हम उसे चंदा के शरीर से नहीं निकाल पा रहे। काश कि आप कुछ कर पाते माधव जी। बाहर निकाला शक्ति की दाती, हम कर होश कम कर जोश, हृदय बुद्धि में माटी। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अगर माधव भैया को कुछ हो गया ना तो हम लोगों को लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा, बाबा पे भरोसा रखो, जो होगा सब अच्छा होगा। बाबा बोले हैं कि बस थोड़ी कमजोरी आएगी लेकिन हमारी बात पहले से भी ज्यादा मानने लगेगा। लेकिन आंटी जी, माधव जी तो आपकी बात पहले से ही मानते हैं। अरे बेवकूफ लड़की, कभी तो अकल से काम लिया करो। हम का तुमको बेवकूफ दिखते हैं जो हमको ककहरा पढ़ा रही है? मैंने इनको इंजेक्शन दे दिया है, इन्हें आराम की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए, हम आपको छोड़ देते हैं। आइए। मैना के साथ तोता को काबू में करना बहुत जरूरी है। मैना यानी के चंदा और तोता यानी के माधव। हम जानते हैं कि माधव चंदा से बहुत प्यार करता है और चंदा तो हमारे वश में पहले से ही, अब माधव को अपने वश में कर रहा है। नहीं तो अपनी मैना को बचाने के खातिर हमसे विरोध पर उतार आएगा। बस यही वास्ते हम ये सब कर रहे हैं, नहीं तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाता। बहुत अच्छा आइडिया है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। ठीक है, हम जा रहे हैं, हम तो चाह रहे थे कि हम आपकी हेल्प कर दें,
लेकिन जब आप चाहती ही नहीं है तो ठीक है, हमको भी कोई शौक नहीं है। तुरंत भर में पारा हाई कर लेते हो तुम। अरे मार पीट करने के लिए नहीं कहा है, समझाने के लिए कहा है। कहीं तुम्हारे ये हरकत से ना हमरा बना बनाया काम चौपट ना हो जाए। वो कहते हैं ना कि खूंटी से बंधी हुई गाय की दुलत्ती भी सहनी पड़ती है, इसीलिए जाओ और केवल काजल की गतिविधियों पर नजर रखो। और हाँ, बाबा जी के पास भी जाओ और उनको जाके बता दो कि चंदा को उसकी अम्मा रमा लेके गई है। रमा को और उसकी दादी को एकदम नहीं पता चलना चाहिए कि चंदा को जो भूत लगा है उसमें कहीं पर भी हम लोगों का हाथ है, समझे? जाओ। ठीक है। आंटी जी, अगर चंदा की अम्मा ने कोई ऐसा उपाय कर लिया जिससे वो काला भूत चंदा को अपने वश में ना कर पाया तो? तुम ना बेकार की बात करके हमरा टेंशन मत बढ़ाया कर। वो बाबा का बोले थे याद है कुछ? बोले थे ना कि प्रेत आत्मा बहुत शक्तिशाली है, उससे पार पाना इतना आसान नहीं। अम्मा, अम्मा चंदा कहाँ है? वो तो चली गई अपने अम्मा के साथ। माधव, तुमको डॉक्टर आराम करने बोला है, तुम आराम कर। नहीं अम्मा, हमें अकेले छोड़ के कैसे जा सकते? आप अड़िए। माधव बेटा, रुको रुको तो सही। हम जा रहे हैं चंदा के पास, हमें चंदा के पास जाना है। माधव, 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 चंदा, माधव सुन तो, सुन बेटा। आंटी जी, आपने ऐसा क्या फेंका जिससे माधव जी बेहोश हो गए? बाबा जी का भभूत श्वेता, यही दिन की खातिर तो बाबा जी हमको भभूत दिए थे, वही भभूत अभी हम माधव पर फेंके। नहीं तो माधव को रोकना इतना आसान नहीं था। लेकिन आंटी जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन कब तक वे भभूत से आप माधव जी को रोक कर रखेंगी? अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। आजा, आजा वापस आजा। तूने कहा इसलिए वापस बुलाया है। हमरा गया हुआ प्रेत खाली हाथ वापस नहीं आया। क्षमा कीजिएगा बाबा, लेकिन हम माधव और चंदा को जान से नहीं मारना चाहते, हम तो केवल उसको अपने वश में करना चाहते हैं। चंदा की रक्षा करने वाली आत्मा को नहीं छोड़ेंगे। हमने दरबार में आने की हिम्मत की है, हमारी शक्ति को ललकारा है।
जिंदगी का कीमत तो देनी पड़ेगी। हाँ बाबा, हम तो कहते हैं उसको खत्म कर दीजिए, कैद कर लीजिए उसको, ताकि हमारे बेटे पे उसका कोनो जादू ना चल सके। ठीक है, हमको उस आत्मा का कुछ सामान चाहिए, गहना या कपड़ा, जितनी जल्दी हो सके लाके दो। हम लाके देंगे बाबा आपको, बहुत जल्दी लाके देंगे। आप जो भभूत दिए थे ना, उससे माधव बेहोश हो गया था। हम चाहते हैं कि वो भभूत अगर हमको फिर से मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता। का हमको आप वो भभूत वापस दे सकते हैं? हर चीज का कीमत होता है। हाँ बाबा, हम लेके आए हैं, ले लीजिए। ठीक है, तो समझो तुम्हारा काम हो गया। उस आत्मा को हमारे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। ये भभूत अपना घर और मुख्य प्रवेश द्वार पर डाल देना। जाओ, निश्चिंत होके जाओ, वो बचेगी नहीं मुझसे, नहीं बचेगी। अम्मा, अब हमरा के हमार जान के कोनो फिकर नहीं के, हमरा के तो बस हरदम माता बाबू के ही फिकर लागल रहेला। हम आपकी और चंदा की रक्षा नहीं कर पा रहे हो सके तो हमें माफ कर दीजिए, लगता है हमारा अंत आ चुका है। उनकरा भी तबीयत ठीक नहीं के, हम उनकरा के छोड़ के यहाँ ना रुक सकते, हमरा के जाए के ही पड़ी। अम्मा, रमा तू एक काम करा कि रक्षा सूत्र चंदा के हाथे में बांधा और उखरा के जाएगा, माधु बाबू तोहरा के दमाद हो और उनकरा की भी देखभाल करे की जरूरत है ना। लेकिन शादी हो थी कैसे और कहां से भूत पकड़ लेलस? पता नहीं बुआ जी, पर हमरा के नीला अम्मा पर शक हो। आज हम तुमको एक घर में नाच नहीं नचवा दिए ना, हमारो नाम रुद्र नारायण सिंह नहीं, बिल बिलाती रहो फिर भी नहीं बच पाओगी। वो ऐसे काहे करी हैं? चंदा हमेशा खटकल करेली, अम्मा जी कभी भी चंदा और माधव भैया के शादी से खुश ना है, भले ही दिखावा करत है। ऐसे हमरा शक करे के पुख्ता वजह है, हो सकेला उहे भूत करोले होकिन चंदा पे। रमा, हमने के की सच पता लगावे के चाहिए। चंदा, तुहार भलाई एहे रहे में है, जब तक चित्रा दीदी उप्रेत आत्मा के रोके के रास्ता ना खोज लेतीन। लेकिन काजल दीदी, आपके कैसे पता कि चित्रा दीदी हमरा ऊपर से भूत छुड़ावे खातिर कोनो उपाय ढूंढत है? चंदा, हमरा के एहसास होकेला उनकर आसपास होके का इस कोनो चमत्कार से कम नहीं। चित्रा दीदी जब चाहली हमरा से संपर्क कर देली, जो बात बतावे के होकेला हमरा के बताए देवेली। ऐसे हमरा पक्का यकीन है कि चित्रा दीदी हमरा जरूर कोनो संकेत दीहन, बतहन आगे का करे कहा। ऐसे तब तक तोहार भलाई इहे रहे में हा। लेकिन दीदी, हम माधव बाबू के छोड़ के ही यहाँ ज्यादा दिन तो ना रुक सकते ही ना।
अगर हम यहाँ रुक जाए तो हुआ माता बाबू के देखभाल के करी, फिर तो हमरा के हुआ जाए के ही पड़ी। हम माता बाबू के छोड़ के यहाँ ज्यादा दिन ना रुक सकते, हमरा के उनका से एक बार मिले के हा। चंदा तू चिंता मत करा, हम है ही ना, हम तोहरा से उनकर हाल चाल बतावत रह, ऐसे में उनका थोड़ा कमजोरी आ गई है, लेकिन तब तबियत पहले से ठीक है और डॉक्टर भी टाइम टाइम से चेकअप करत रही, एह में चिंता की कोनो बात नहीं है चंदा। ठीक है दीदी, बस हम एक दो ये दिन और रुक पाए, उसके बाद हम खुद ही यहाँ ना रुक पाए। ठीक है चंदा। इतना देर हो गया, अभी तक डॉक्टर साहब बाहर नहीं निकले। सिर का ऑपरेशन है अम्मा, टाइम तो लगेगा ही ना। अरे आ गई लू बेटा। हाँ अम्मा। कैसन रहल पूजा? सब अच्छा से हो गई। अम्मा माधव बाबू के फोन आयल रहल का? ना बेटा, कौनो फोन ना आयल रहल। अच्छा, लाई हमार मोबाइल दी, हम खुद ही फोन करके पूछ लेते हैं। ये तो माधव भैया का फोन का घंटी है, किसका फोन हो सकता है? चंदा का है। अम्मा अब किसका फोन आ रहा है? ये लड़की भी ना बहुरा गई है। अम्मा उसको समझ में नहीं आ रहा है का? कहे बार बार फोन करके परेशान कर रहे? अरे कुछ नहीं, वो आने का खाली बहाना ढूंढ रही है बस। अम्मा सिस्टर आ रही। सिस्टर ऑपरेशन हो गया का? कैसा है हमरा माधव बेटा? रुद्र ये नर्स कुछ बोली का है नहीं, कहीं हमरा माधव बेटा को कुछ हो तो नहीं गया ना? अगर ऐसा हो गया तो हमरा सारा किए कराए पे पानी फिर जाएगा, सारा जायदाद चंदा का हो जाएगा। अम्मा आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रही। अरे ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर साहब तुरंत हम लोगों को इन्फॉर्म किए होते। अंदर ऑपरेशन चल रहा होगा ना, इसलिए नर्स को मना किए होंगे बताने के लिए। और कोई बात नहीं है। अब किसका फोन? चंदा का फोन है, उठाना पड़ेगा, नहीं तो अकबका के वो यहाँ चली आएगी। हेलो अम्मा जी, माता बाबू कैसे हवन? वो ठीक था हवन ना? माधव ठीक है, सो रहा है, तुम अकबकाओ मत, हुए रहो। अम्मा जी का हम माता बाबू से एक बार बात कर सकते हैं? ठीक है, जब जागेगा तो बात करा देंगे। जी सब ठीक है ना? हाँ अम्मा सब ठीक है, माधव बाबू ऐसे में सुतल हवन। अच्छा जा, पहले अपन कपड़ा बदल ला।